शासकीय विद्यालय के भवन में शिक्षक ने किया कब्जा, ग्रामीणों ने प्रशासन से की शिकायत। प्रशासन बना मूकदर्शक। विगत कुछ वर्ष पहले प्राथमिक पाठशाला का विद्यालय में हुआ था सम्मिलियन। जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत गहोना के बवहंदर डाढ़ी टोला का है मामला। आपको बता दें कि रीवा जिले के जनपद पंचायत अंतर्गत जवा ग्राम पंचायत गोहाना के बवहंदर के डाढ़ी टोला में एक शासकीय शिक्षक ने ही शासकीय विद्यालय के भवन को खाली देख उस पर ही कब्जा कर लिया और विद्यालय के आसपास मकान बनाकर बाड़ी बकर रहने लगा। मामले की शिकायत ग्रामीणों द्वारा प्रशासन से की गई है। हम आपको बता दें कि ज्ञानचंद गुप्ता जो पेशे से शासकीय शिक्षक हैं और वर्तमान में बरेती कला में पदस्थ हैं, इनके पूर्व वो बवांदर के डाढ़ी टोला के इसी प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाते थे। जब प्राथमिक पाठशाला डाढ़ी टोला का अन्यत्र विद्यालय में सम्मिलियन हो गया तो विद्यालय का सरकारी भवन खाली हो गया, जिस पर शिक्षक की नज़र गड़ी हुई थी। मौका देख विद्यालय के सरकारी भवन में शिक्षक ने कब्जा कर लिया और हद तो तब हो गई जब विद्यालय भवन से सटाकर एक मकान और बनाकर तार बाड़ी कर अपना आधिपत्य जमा लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर लगभग 3-4 वर्ष पहले शासकीय विद्यालय लगती थी, उसी विद्यालय का ये भवन भी है जो शासकीय शिक्षक ज्ञानचंद गुप्ता ने दबंगई बस इस पर कब्जा जमा रखा है। इसकी शिकायत कलेक्टर प्रतिभा पाल से भी की गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्व नारायण तिवारी है। क्या मामला है? मामला ये है, AGS ये डांडी टोला के बवंदर का ये स्कूल है, जिसमें ये स्कूल में पदस्थ ज्ञानचंद मास्टर और उसी स्कूल में पदस्थ और शासन का 5 लाख रुपए रिकवरी करके और स्कूल बनवा लिए और उसी में अपना घर बनवा के कब्जा कर लिए, जो कि ब्रजेश कुमार गुप्ता पटवारी है, उसने सब खसरा उसरा से उड़वा के और स्कूल पूरे अपने अंडर में करके अपना घर बनवा लिया। और मैं कलेक्टर महोदय से, SP महोदय से निवेदन करूंगा और मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन कर रहा हूं कि ये शासन के जो शिक्षा हैं, आप शिक्षा विभाग में होते हुए आप खुद उसी स्कूल में पदस्थ होकर मास्टर और उसी स्कूल में अपना कब्जा कर लिए। क्या घर बना के रह रहे हैं? क्या घर बना के रह रहे हैं कब्जा बना के, जबकि शासन का वो बच्चा को पढ़ाने वाले से एक शिक्षक होकर उसी स्कूल को कब्जा कर। आप लोगों ने कहीं शिकायत की इसकी? शिकायत तो अभी तक कहीं नहीं हुई, इसकी शिकायत बहुत जगह हो गई, मगर वो पटवारी है, उसका भतीज, वो भी उसी के नाम जमीन है, वो सब ऐसा कार्य कर रहा है कि वो सब हर जगह सरकारी जमीन और सरकारी स्कूल वो कब्जा करने का इसका ठीक है। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। ये जो आपके यहाँ स्कूल में शासकीय स्कूल में कब्जा किए हुए, क्या ये बात सत्य है? जी हाँ। क्या नाम है उनका मास्टर का? ज्ञानचंद गुप्ता। हाँ, कब से किए हुए हैं ये? 5 साल से ऊपर हुए कब्जा किए। तो यहाँ इसमें हमारी बिटिया भी पढ़ती थी, हम लोग हमेशा यहाँ रहे हैं, तो हमारा तो घर है चौराहा में, हम अच्छे से जाने चाहिए। तब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यह चाहते हैं कि ये स्कूल को माना खाली करा वाले हैं। जी हाँ। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी का आयुष्मान में निःशुल्क इलाज सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल रीवा। पता है समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी आयुष्मान से निःशुल्क इलाज। गाल ब्लैडर पित्त की थैली की पथरी एवं किडनी की पथरी का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज केवल नेशनल हॉस्पिटल में। पता याद रखे समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699।